हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नया और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप 1 से 2 मिनट में अपना एक जीमेल आईडी तैयार कर सकते हैं, मात्र 1 से 2 मिनट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से 1 से 2 मिनट में आप जीमेल आईडी तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा, अगर आप जीमेल आईडी बना सकेंगे 1 से 2 मिनट में और आपको यह ट्रिक अच्छा लगेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी यह पता चले। इसके लिए आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड भी इस ट्रिक को जान पाएँ और वो भी जल्दी से जल्दी बना सके जीमेल। तो इस सबसे पहले हमें अपना नेटवर्क ऑन करना पड़ेगा, बिना नेटवर्क का तो जीमेल बनता नहीं है। उसके बाद आपको अपने सेटिंग में जाना पड़ेगा, फ़ोन के सेटिंग जो होती है उसमें। सेटिंग ऑन करने के बाद सबसे आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा अकाउंट एंड सेंस का। आपको फ़ोन में शायद अकाउंट लिखा हो या फिर सेंस लिखा हो, कुछ भी एक लिखा हुआ होना चाहिए आपके। जैसे कि मान लीजिए आपके फ़ोन में सेंस लिखा हुआ है, तो आप सेंस लिख के छोड़ दीजिए। सेंस पे आप सेंस लिखा हो तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए, आप अपने में इस टैप पे इसे टैप करता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको एक मिल रहा होगा ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट पे आपको सिंपली टैप करना है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिल रहा होगा, फ्लिपकार्ट बहुत एक्सेट्रा में बहुत चीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये गूगल पे टैप करना है, जो गूगल लिखा हुआ है उस पर टैप करना है। थोड़ी सी ये लोडिंग लेगी। अब आपका फ़ोन पे स्क्रीन लॉक लगा हुआ है तो उस स्क्रीन लॉक को डाल दीजिए। मेरा लगा हुआ है, मैं इसे डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यह थोड़ी सी लोडिंग लेगा या चेकिंग करेगा आपके इन्फॉर्मेशन में कि आपके फ़ोन में कौन से नंबर से ईमेल आईडी बनना चाहिए। चलिए, इसे होने देते हैं। वीडियो को मैं कहीं पे स्किप नहीं कर रहा हूँ या पॉज नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको यह पूरी तरह से पता चले कि किस तरह से ईमेल बनाया जाता है। इसके बाद आपके इस तरह से आपका फ्रंट ऑन हो जाएगा। सिंपली से आपको यहाँ पे टैप करना पड़ेगा क्रिएट ए अकाउंट, इसमें टैप करना है। अब यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे जो लिख के आ रहा है मोर फॉर माई सेल्फ, तो फॉर माई सेल्फ पे आपको टैप करना है। यानी मैं अपने लिए जीमेल बना रहा हूँ। उसके बाद आपको पूछा जाएगा फर्स्ट नेम। आप अपना फर्स्ट नेम में कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैं डाल देता हूँ अपना नाम। अब उसके बाद आपका आ रहा है लास्ट नेम। लास्ट नेम में आप अपना जो आपका लास्ट नेम है, जैसे कि मेरा कुमार है, तो उसके बाद यहाँ सिंपल सा आपको नेक्स्ट पे टैप करना है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा डेट और जेंडर। तो आपको डेट में तो कुछ भी आप रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आपका रियल डेट ही डाला जाए। लेकिन आपको ईयर में आपको इस तरह से ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि आपका 20 से 21 साल उम्र हो, यानी 20 से ऊपर ही आपका एज हो। अगर 20 से ऊपर नहीं होगा तो आपके ईमेल को उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना 20 साल से ऊपर के लोगों को मिलता है। जैसे कि आपको उम्र 17 साल या 16 साल हो गया तो फिर ईमेल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप यहाँ पे 1999 डाल दीजिए, सिंपल सा 1999। और अभी 2020 चल रहा है तो इसका मतलब से हमारा एज 21 साल हो गया है। अब यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आप जो जेंडर हो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद फिर सिंपल सा आपको नेक्स्ट पे टैप करना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आप अपने जीमेल को किस तरह का, मतलब जीमेल आईडी को अपना किस एड्रेस को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो या फिर किस तरह से इसको बना सकते हो। सिंपल से यहाँ आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम को ही लिख देता हूँ। मेरा यह नाम पे लिख देता हूँ। और फिर लेकिन यह कह रहा है कि यह यूज़र नेम इज़ टेकन अनदर, मतलब यह यूज़र नेम को कोई और टेक कर सके, मतलब ये यूज़र नेम और अप्लाई कर दिया है। लेकिन अभी एक चीज़ और यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते होंगे एक अवेलेबल है, आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसे सिंपल से टैप कर दीजिए, तब आपको यहाँ पे मिल जा रहा है फिगर 31 55 2 0 20 0 52। ये आपका ईमेल एड्रेस हो गया @gmail.com। फिर यहाँ सिंपल से आपको नेक्स्ट पे टैप करना है। उसके बाद आपका पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हैं। चूंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एक नॉर्मल पासवर्ड डाल देता हूँ, और चूंकि ये मेरा रियल पासवर्ड नहीं होगा मैं इसे बाद में चेंज कर लूँगा।
मैं अपने पासवर्ड में कुछ भी डाल देता हूँ। चूँकि दोस्तों मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ इसलिए यहाँ वीडियो ब्लैक कर दिया है ताकि पासवर्ड उसके बाद नीचे में उसी पासवर्ड को डालना है जो पासवर्ड आप डालें। मैं अपना ऐसे पासवर्ड बदल लूँगा। ऊपर का मेरा पासवर्ड ये है और नीचे में कन्फर्म करने के लिए मुझे वही पासवर्ड को फिर से डालना पड़ेगा। अब देख सकते हैं मेरा दोनों पासवर्ड सेम है। अब मैं इसे नेक्स्ट पे सिंपल से टैप कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे लिख रहा है ऐड फोन नंबर। आप किस फ़ोन नंबर से बनाना चाहते थे, आपका फ़ोन में जो फ़ोन नंबर रहेगा वो ऑटोमेटिक ये रिसीव कर लेगा। उसके बाद एक प्रोसेस में यहाँ पे आपको पीछे में जो लिखा हुआ था अस आई एम इन, मेरा मतलब मैं फ़ोन में ही हूँ, मतलब मेरा ये फ़ोन है, मेरे पास ही फ़ोन है, इसका मतलब ये था जो पीछे मैंने यस आई एम इन कर दिया। तो उसके बाद सिंपल सा आपका जीमेल आईडी तैयार हो जाएगा और यहाँ पे लिख आ जाएगा आपका जीमेल एड्रेस और ऊपर में आपका जीमेल का नाम। फिर सिंपल सा है आपको नेक्स्ट पे टैप करना है। उसके बाद गूगल का टर्म एंड कंडीशन दिया जाता है, इसको आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, मुझे नहीं पढ़ना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। अब आपका जीमेल तैयार हो गया है, आप ये इन्फॉर्मेशन को चेकिंग कर रहा है। इसके बाद फिर आपका जीमेल आईडी तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन लिख आया हुआ था जिसे आपको एक्सेप्ट करना था। तो आपका जीमेल आईडी तैयार हो गया है, अब अपने जीमेल आईडी को चेक करना है। तो आप यहाँ पर तो चलिए अब अपने जीमेल आईडी को हम चेक करते हैं। सिंपली से आपको जीमेल आईडी चेक करने के लिए जाना पड़ेगा सेटिंग में और फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पे अकाउंट एंड सेंस वाला ऑप्शन में जाना पड़ेगा और यहाँ पे टैप कर दीजिए। उसके बाद आपको ऐड अकाउंट में ना जा करके अपने गूगल में जाना पड़ेगा। तो मैं चलिए गूगल में आ गया हूँ। अब यहाँ पर जो मैंने अभी जो ईमेल आईडी बनाया था वो मेरा ईमेल आईडी ये है, आप देख सकते होंगे वही ईमेल एड्रेस इसमें भी शो कर रहा है। बाकी सब जैसे मेरा पुराना ईमेल आईडी है या पहले का ईमेल आईडी, देखिए मैं कितना सारा ईमेल आईडी बना सकता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि बहुत सारा ईमेल आईडी बनाना तो इसी कंडीशन को अपनाइए और एक से लेकर आप 10, 20 जितना भी चाहे उतना ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसको सॉल्यूशन दे दूँगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त।